बातें फराज की। आज मेरे स्कूल का हाफ डे था तो मैंने मम्मी से पाव भाजी की डिमांड किया है, तो अभी मार्केट जाते कुछ सब्जियां खरीदने। आप जब भी घर से बाहर निकलोंगे तो इस दुआ को जरूर पढ़िए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहितवक्कलतु अलल्लाही ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयिल अज़ीम। इस दुआ का ट्रांसलेशन ये है, अल्लाह ताला का नाम लेकर मैं घर से निकलता हूँ, अल्लाह ताला पर मैंने भरोसा किया, गुनाहों से बचने की और इबादत करने की तौफीक अल्लाह ताला ही देते हैं। सैयदी हॉस्पिटल के पास पहुंची हूँ। सैयदी हॉस्पिटल के आगे फ्रूट्स की दुकान है, यहाँ पे बहुत सारी फ्रूट्स की दुकान है, यहाँ सब्जी मंडी लगती है। तो गाइस अभी मैं रोड क्रॉस कर रहा हूँ, रोड क्रॉस करने के बाद आपसे मिलता हूँ। गाइस मैंने रोड क्रॉस कर लिया है, अभी चलते आगे। अभी मैं सब्जी की दुकान पे पहुंच चुका हूँ। तो गाइस अभी मैं टमाटर निकाल रहा हूँ। अभी मुझे टमाटर दे दे, मैं अक्सर इनसे ही सब्जी लेता हूँ। यहाँ पे सब चीज़ फ्रेश है, टमाटर दिया, ये सब आलू सब फ्रेश है। तो गाइस अभी 10 का गाजर लेते हैं। तो अभी मेरे सामान वहाँ रखे हुए हैं। तो गाइस अभी मैंने सामान ले लिया है, अभी मैं मिलता हूँ आपसे घर पहुँचने के बाद। मेरे मम्मी के हाथ का खाना बहुत पसंद है, ये सब मेरी मम्मी सब्जी की कटिंग कर ली है। इंशाल्लाह आज मैं पाव भाजी खाऊंगा। तो अभी खाते बता दो कैसी है। बिस्मिल्लाहि वाला बरकतिल्ला। बहुत मस्त बनी है पाव भाजी। और हाँ गाइस, अगर मैं खाने से पहले की दुआ पढ़ना भूल गया तो मुझे अक्सर याद आता है खाने की विषय दुआ, तो मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आखिर पढ़ लेता हूँ। ठीक है गाइस, बाद में मिलते हैं। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया होगा तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए